मित्र जी बांध गए सुपर डुपर एक्सलेंट है। ये अपने रिव्यू में दे देना, ये अपने रिव्यू में दे देना। और फेस्टिव सीजन की सबसे खास बात क्या होती है ना कि बिना किसी मिठाई के हम भारतीय लोग मनाते ही नहीं है। सो हम आ चुके हैं कहाँ पे, तो भाई अपना शांति लाल, और वो भी कौन से आउटलेट में, तो मीठापुर के आउटलेट में। देख सकते हैं अंदर कितना ही प्यारा, कितना ही कोजी एम्बियंस है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाता है, एक से एक बढ़ करके गिफ्ट हैम्पर्स है। ये रहा स्नैक्स, थोड़ा सा चखना वाला आइटम। बहुत प्यारी मिठाई लग रही है कौन सी? अंजीर कुल्फी है। अंजीर कुल्फी चखाना जरा हमें। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ना एकदम सॉफ्ट हो चुका है ना, फुल आ रहा है, एक बहुत प्यारा सा एकदम पक्का पता चल रहा है कि भाई ड्राई फ्रूट्स ना भर भर के यूज किया गया है, मिलावट नहीं है ना पक्का। तो भाई टेक्सचर से भी पता चल जाता है छोटे की मिलावट नहीं है, खाते हैं स्वाद बताते हैं। प्रॉपर फिक कट है, जो प्रॉपर अंजीर होता है भाई, उसका स्वाद है। अभी मैंने कोई मिठाई नहीं चखी है, पीछे टेबल पे लाइव काउंटर सटे हुए, अभी मिठाई लगवाने जा रहा हूँ मैं। ये पहली मिठाई है, सारा ही मिठाई खा लूँगी। ब्लू ओशन जो है ना बन करके तैयार है, और साथ में आप लोग दिखाता हूँ। फिर भी ये बन रहा था हमारे टेबल पर, थोड़ा फोकस करिए क्या क्या आ गया है। बेहतरीन सेवरी, बेहतरीन स्वीट्स भाई, सच चुकी है अपनी टेबल पूरी की पूरी। और यहाँ पे देख सकते हैं पिज्जा है, अलग अलग तरीके विभिन्न विभिन्न मिठाई है, और साथ में क्या है तो भाई ब्लू ओशन मॉकटेल। सबसे पहले ना कंठ को थोड़ा गीला कर लेते हैं, बहुत बकड़ बकड़ हो गई, बहुत बकवास बोल दिया। भाई एक होता है ना मॉकटेल एक्सट्रीम मीठा, जिससे ना मजा किड़कड़ा रहा था, और एक होता है एक्सट्रीम खट्टा। ये एकदम वेल बैलेंस आउट रेशियो है ना, इसमें लेमन को क्रश करने के कारण उसमें खट्टास आया है, फिर कड़वापन आया है, ना ही इसमें एक्स्ट्रा सिरप पड़ने का मिठास है, वेल बैलेंस्ड है। यहाँ का एकदम थिन क्रस्ट है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही लग रही है कि नॉर्मल ब्रेड को यूज नहीं किया गया है, थिन क्रस्ट पिज्जा का डो है ये पूरा। चीज का भी एक generous amount है, I wouldn't say it's too much, but I decent है, so let's take a bite, let's dig into the flavors now. मिथिलेश जी की बात जो है ना वो सच होते हुए दिख रही है, बहुत सारे बेकरीज एंड कन्फेक्शनरीज की जो है ना हमने पिज्जा खा रखी है, वहाँ पे क्या होता है ना थिकनेस होता है, अंदर से डो जो होता है थोड़ा सा रॉ होता है। फ्लेवर की बात करें, फ्लेवर में चीज़ के अलावा आपको कोई फ्लेवर मिलता ही नहीं डिस्पाइट वो कोई भी टॉपिंग यूज़ करें। यहाँ पे क्या है, पास आओ आपको बताता हूँ, हल्का हल्का स्पाइसीनेस है, देख सकते हैं चीज़ के नीचे भी एक अच्छी सी यहाँ पे ना सॉसेस का यूज़ किया गया है। इसकी जो फिलिंग है जैसे टॉपिंग से आता है, टॉपिंग्स काफ़ी अच्छी है, चीज़ भी काफ़ी थिक है भाई, देख सकते हैं बहुत प्यारा सा है। तो भाई पिज्ज़ा लाइक स्पाइसी है, गजब करा। और ये हमारा है भाई पनीर कुलचा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कुलचा है, अंदर एकदम पनीर है। थोड़ा सा पास आइएगा दिखाते हैं, ये देख सकते हैं पनीर, उसके साथ बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, होपफुली शिमला दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो इसका बाइट लेना बनता है भाई, काफ़ी सॉफ्ट है, एक कुलचा है, प्यार से इसे मक्खन लगा लगा करके हमें, ताकि मक्खन लगे हम अच्छा रिव्यू दें, से इसमें मक्खन लगी थी। तो चलिए भाई बढ़िया से बाइट लेते हैं, बाइट लेकर बताते हैं। दिल्ली वालों अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, बिहार आ, बिहार में यहाँ पे एक कुलचा मिल रहा है, काफ़ी शानदार है, छोला के साथ नहीं ले रहे, किसी ग्रेवी के साथ नहीं ले रहे, कुछ भी तड़का नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हैं इसमें पनीर अच्छे से सॉस मक्खन में सेका और सर्व कर दिया, काफ़ी लजीशियस है। ये काजू बर्फी आप लोग ने भाई, और ये काजू राजकमल है, काजू राज कमल, सेब खाते हैं ना, सेब खाने से क्या फ़ायदा होता है, ये डॉक्टर्स दूर भागते हैं, अब फूड ब्लॉगर इतना मीठा खाएंगे डायबिटीज़ कहीं ना हो जाए, तो सेब ही खा लेते हैं भाई। हो गया बस काजू है भाई, साउथ सच में बस काजू है यार, हो ये देख सकते हैं आलमंड दिख रहा है, काजू तो पूरा बन चुका था, पिसा हुआ काजू है, पिस्ता का फ्लेवर आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हमारा छोटा सा आलमंड गिरा, इसका बड़ा वाला बाइट तो मेरे मुंह में है,
बट मजेदार है भाई, सच बता रहा हूँ। ये सर छेना सैंडविच, ये छेना स्वीट्स है, इसका नाम इसका छेना सैंडविच, छेना सैंडविच सैंडविच ऑल राइट। इसका पिस्ता भोग है, ये पिस्ता भोग है, ये पिस्ता भोग है, ये हरा हरा देख सकते हैं भाई, ये पिस्ता है आपका, ये सैंडविच टाइप का है भाई, लाजवाब सैंडविच है, देखिए छेना है ना। कलकंज एक बाइट लेना तो बनता है ब्रो। एक खोआ केसर बर्फी है, तो दोनों खोआ वाली है ना, ये जो है ना भाई, ये अभी तक आपने मिठाई का बेहतर है, सच बता ये काफ़ी बेहतर है भाई, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ी सा वरिष्ठ ने एकदम पॉइंट किया था आपसे कुछ महीने पहले, लजीशियस, जिसका मतलब ही होता है 8 and above की रेटिंग, ये भाई शांतिलाल लजीशियस है, पूरी सा मेरे उस्ताद का पर्सनल रिकमेंडेशन है शांतिलाल पटना। भाई साहब खूब मिठाई खा ली यार, मतलब भर गया मेरा डाइट खत्म, लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा, सोच रहा हूँ क्या तो घर जाते जाते ना घर के अंदर बैठ करके कुछ बढ़िया से खाऊंगा। तो इस तरीके के ढेर सारे देख सकते हैं गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पड़ी हुई, ये एक शानदार से गिफ्ट हैम्पर है, ये अपनी बीवियों को दे देना या फिर अपनी सासू माँ को देना, जरूर से पड़ जाएगी। तो भाई मैं ये लेकर के अपने घर चल रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और लोकेशन किसी और डिश के साथ। टिल देन पूरी सबरिस्टर्स का आप सभी को ये नहीं, टाटा बाय बाय, सायोनारा।